अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस की। ये है हमारे पास उसका बॉक्स, ऊपर वाली साइड पे पीटीआई का लोगो और एयर लिंक की वारंटी का लोगो है। साइड पे सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस, निचली साइड पे भी वही है और ऊपर यहाँ पे हमारी डिवाइस बनी हुई है। ये मैंने बॉक्स ओपन परचेज किया है, प्राइस की बात आगे जाए करते हैं। हम बॉक्स ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस। बैक के कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो है इन्फिनिटी डिस्प्ले, डुअल कैमराज और फिंगरप्रिंट सेंसर, 32 GB 4G LTE, 1.4 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर, 13 और 5 MP का बैक कैमरा, 8 MP का फ्रंट कैमरा और 3 GB की रैम, 32 GB की स्टोरेज, 6 इंचज़ का HD+ डिस्प्ले है। तो ये जो हमारी डिवाइस सबसे ऊपर है और वही स्पेसिफिकेशन मेंशन है जो बॉक्स के बैक पे मेंशन थी। रैपर को रिमूव कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास वारंटी कार्ड। आप बॉक्स जब पैक लेंगे तब आपको बाहर की साइड में मिलेगा, अंदर है कुछ क्विक स्टार्ट गाइड्स और वारंटी की इंफॉर्मेशन। ये 3 टोटल बुकलेट्स हैं, एक इंग्लिश, 2 इंग्लिश में, एक उर्दू में है। बाकी बॉक्स कंटेंट्स की बात कर लें तो अंदर है एक सिलिकॉन का कवर जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक ही है, ज़्यादा बुरी भी नहीं है और ना ज़्यादा ही खास है, कुछ ठीक है। ये है माइक्रो USB केबल, 30,000 में आपको माइक्रो USB की केबल मिल रही है और साथ ये एक स्लो अडाप्टर भी मिल रहा है। फास्ट चार्जिंग क्या, ये तो नॉर्मल चार्जिंग भी नहीं करता। बाकी अब हम डिवाइस की तरफ आए तो 13 और 5 MP का बैक कैमरा है और डिवाइस प्लास्टिक बिल्ड के साथ आती है हमारे पास, डुअल का ब्रांडिंग है। स्पीकर्स और फिंगरप्रिंट सेंसर अवेलेबल है। निचली साइड पे 3.5 mm हेडफोन जैक, माइक और USB पोर्ट अवेलेबल है। साइड पे सिम ट्रेज अवेलेबल हैं 2 और वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन कीज अवेलेबल हैं। ऊपर वाली साइड बिल्कुल खाली है, कोई चीज़ भी नहीं है। LED फ्लैश अवेलेबल है। बाकी डिवाइस ऑन हो गई है। बॉक्स कंटेंट्स को जरा साइड पे कर लें तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स में। यहाँ पे बिक्सपी आपको मिलता है, बिक्सपी के लिए बटन नहीं मिलता, जब आप इस तरफ को वो स्लाइड करेंगे तब आपको मिल जाएगी। सेटिंग्स में हम अबाउट फोन में चले जाते हैं तो अबाउट फोन में, तो अगर हम एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो और 8.1.0 है, एंड्रॉयड 9 पे नहीं मिलता। सैमसंग का वर्जन 9.5 है, बाकी आप देख सकते हैं। 1 जनवरी 2019 पे सिक्योरिटी पैच अपडेटेड है। अगर हम कैमरा इंटरफेस की बात कर लें तो सबसे ऊपर हमें ऑप्शन मिलता है पैनोरामा का। पैनोरामा के आगे प्रो, ब्यूटी, लाइफ फोकस, ऑटो और स्टिकर्स के ऑप्शन मिलते हैं। लाइव फोकस में हम ब्लर को एडजस्ट भी कर सकते हैं कम ज़्यादा। और अगर हम फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे मिलते हैं सेल्फी फोकस, सेल्फी स्टिकर्स और वाइड सेल्फी के ऑप्शंस अवेलेबल मिलते हैं। तो ये है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस। अगर हम इनकी कैमरा क्वालिटी की बात कर लें तो मैंने 1-2 पिक्स क्लिक की हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बॉक्स की इमेज है। पिक्चर क्वालिटी ठीक है, ना इतनी खास है ना इतनी बुरी है। जिस तरह आपको पता है सैमसंग की पिक्चर क्वालिटी होती है उसी तरह की है, ठीक है, इतना बुरा भी नहीं कह सकते हम। ठीक क्वालिटी ठीक ठाक ही है कैमरा की, लेकिन मुझे तो जो मुझे इस डिवाइस की सबसे गंदी बात लगी है वो इसका प्रोसेसर जो कि है स्नैपड्रैगन 425 का, जबकि आपको 18,000 की रेंज में आपको स्नैपड्रैगन 450 मिल जाते हैं रियलमी C1 जैसे डिवाइसेस में। कैमरा क्वालिटी भी उनकी सही है और इसमें बैटरी आपको मिलती है 3300 mAh की, जबकि उस रियलमी C1 में ही आपको 4200 mAh की बैटरी मिल जाती है। 178 grams का 6.0 inches की डिस्प्ले है, 720x1440 pixels की स्क्रीन है और हम इसको 512 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं मेमोरी कार्ड स्लॉट के जरिए। तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी इतनी सही नहीं है क्योंकि जो
की क्वालिटी 720 मिली है, 15 कुछ आपको रियलमी सी वन में अवेलेबल मिलती है।